चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के हिंदी चैप्टर का पहला चैप्टर बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। इसके सारे बेसिक चीज़ों को और एक एक पॉइंट को बेसिक से समझेंगे। आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। एक एक बातें तोड़ कर बताऊंगा और कम से कम समय में कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और हालांकि इस बात को यदि आप समझ लेते हैं ना, तो आपको सारी क्वेश्चन, जो भी आपके प्रश्न उत्तर, वो सारे आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर बातचीत, जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। पहले आप ये समझ लीजिए कि बातचीत क्या है। तो एक ललित निबंध है जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। आप बातचीत से अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या पढ़ना होगा। तो सिर्फ बातचीत के बारे में, जिसको संवाद या वार्तालाप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लेखक परिचय से ही आते हैं। तो सबसे पहले लेखक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या क्या किए, क्या नहीं किए, कब मृत्यु हो गई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ मुख्य बातें लिखी गई है। यदि इन बातों को आप समझ लेते हैं तो आपको बातचीत जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। देखिए, लेखक का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। लेखक का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जनपद में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। इनके माता का क्या नाम था, पार्वती देवी। आगे बालकृष्ण भट्ट जी एक ये पत्रिका संपादन किए थे जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन करता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्रिका का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए। कौन सी पत्रिका का संपादन किए, तो हिंदी प्रदीप, ठीक है। इस बात को याद रखिए, बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए। आगे है, बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के कवि थे, तो देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। ये भी ऑब्जेक्टिव पे कई बार क्वेश्चन किया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे। अब इनकी कुछ रचनाएं जान लेते हैं, लिखी गई इनकी कुछ किताबें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे, इनकी रचनाएं क्या क्या, इन्होंने उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध, बहुत सारी चीज़ें लिखा। तो हम लोग जान लेते हैं इनके उपन्यास, कुछ नाटक, कुछ निबंध क्या क्या लिखे हैं। देखिए, इनके उपन्यास में आती है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अनाज एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। ये सब इनके क्या है, उपन्यास हैं। और इन सब के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी ही हैं, ठीक है ना। अब इनकी नाटक की बात करते हैं, तो जैसे पद्मावती, किरातर जुड़नी है, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, ये सब नाटक है जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब इनकी कुछ निबंध भी लिखी गई, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बातचीत, ये भी किनकी लिखी गई है, बालकृष्ण भट्ट की, और ये क्या है, एक ललित निबंध है। तो इनकी कुछ निबंध भी लिखी गई है, जैसे भट्ट निबंध माला, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है जो दो खंडों में बटा हुआ, देखिए लिखा गया भट्ट निबंध माला नाम से दो खंडों में 1000 के आसपास इनका संग्रह प्रकाशित है। मतलब इनका जो निबंध है, ये भट्ट निबंध माला दो खंडों में बटा हुआ है, जिनमें 1000 के आसपास संग्रह जो है ना प्रकाशित की गई है। आगे, इनकी मृत्यु कब हो गई, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता है कि इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माँ का क्या नाम था, किस युग के कवि थे, कौन से पत्रिका का संपादन किए, और उसके बाद पूछ सकता है कि पद्मावती के लेखक कौन है, रहस्य कथा का लेखक कौन है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, सद्भाव के अभाव का लेखक कौन है, शिशुपाल वध के लेखक कौन है। ये सब क्वेश्चन आपसे तरह तरह कर सकता है, इसलिए लेखक परिचय पर थोड़ा सा जोर डालेंगे। पूछ सकता है कि लेखक की मृत्यु कब हुई थी, तब 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अब चलते हैं चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर्स का नाम है बातचीत। तो सबसे पहले हम जान लेंगे, अगर सोचिए मनुष्य के पास बातचीत करने की क्षमता नहीं होती, बातचीत का मतलब हो गया वाक शक्ति, यदि बोलने की क्षमता हमारे पास नहीं होती तो क्या होता। पहले टॉपिक में इसमें कुछ मुख्य बातों में, ये पहली बात मैं बता रहा हूँ, अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर सोचिए हम लोग के पास बोलने की क्षमता नहीं होती तो क्या होता, यदि हमारे पास बोलने की क्षमता नहीं होती तो मैं अपनी बातों को आपके सामने प्रकट नहीं कर पाता। यदि इस संसार में बोलने की क्षमता नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो पूरी दुनिया के गूंगे के समान रहती, कोई किसी से ना बोल पाता, ना अपना दुख प्रकट कर पाता और ना ही सुख सुविधाओं को अनुभव कर पाता। देखो, इसलिए बातचीत न होने से, अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं है तो समझिए कि हम गूंगे हैं। यदि इस संसार में वाक शक्ति नहीं होती तो ये संसार एक गूंगे के समान रहता। पहली बात,
पहली बात ये कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होती, हमें वाक शक्ति नहीं होती तो यह संसार पूरा का पूरा गूंगा होता है, जैसे कि जानवर गूंगा है, प्रकृति गूंगा है। लेकिन हम लोग के अंदर एक भगवान का वरदान मिला है, वाक शक्ति बोलने की जो कला है ये एक वरदान के रूप में मिला है। इसलिए हमें अपनी बोली पर नियंत्रण रखनी चाहिए, क्योंकि बोली ही हमें सम्मान दे सकती है, इज्जत दे सकती है। जैसे कि आप पहला चैप्टर जब पहले भाग का पढ़े थे, रहीम का दोहा, उसमें कहा गया है कि रहीमन जी हवा बाबड़ी, कहीं गई सड़क पतार, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपार। जब आदमी अच्छे से और किसी को इज्जत देकर बातें करता है तो उससे बहुत सम्मान मिलती है, लेकिन जब वही किसी का दिल दुखाता है तो वहाँ पर उसको उसका जो सर है वो जूतों की चोट से क्या होता है, घायल हो जाता है। देखिए ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है इसमें। तो पहली बात मैं यही बताना चाहूँगा, अगर हमें वाक शक्ति या इस पूरी दुनिया में वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता नहीं होती तो इस दुनिया का क्या होता, यह दुनिया एक गूंगे के समान हो जाता, जैसे जानवर है, जैसे प्रकृति है। प्रकृति भी मौन है, वो चुपचाप है, वो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन हम ही एक ऐसे इंसान हैं, हम ही लोग एक ऐसे सामाजिक प्राणी हैं जो अपने दुखों को किसी के सामने प्रकट कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को किसी के सामने रख पाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर वाक शक्ति हम लोगों में नहीं होती तो यह संसार एक गूंगे के समान होता, ठीक है। अब दूसरी बात है कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, ये भी आपको समझना है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला, वार्तालाप की कला, संवाद की कला, ठीक है ना। वो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला। अब देखिए बातचीत करने की कला, ये सबसे अधिक जो है ना आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों के बीच प्रसिद्ध है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो एक बातचीत करने की कला है जिसमें कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जिसको सुनने के बाद हमारे कान एक अलग तरह से आनंद महसूस करते हैं। मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसे बातें आपको बोला जिसको सुनने के बाद आपने हंस पड़ा, तो मेरी जो बातें हो गई ना वो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन के अंदर आ जाएंगी। क्योंकि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे बातें बोलिए जिसको सुनने के बाद किसी की कानें संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, हंसने लगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जिसमें कुछ ऐसे प्रसंग बोले जाते हैं, ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं जिसको सुनने के बाद हम आनंदमय हो जाते हैं और बातों को और रोचक बनाने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत करने की आखिर रियल में तरीका क्या है। देखिए बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है, उसका दोष गुण प्रकट होता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बातचीत करता हूँ तो मेरे सारे दोष गुण प्रकट हो जाएंगे कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे पास कितना नॉलेज है। तो बेन जॉनसन यही कहते हैं कि रियल में बातचीत करने के बाद ही मनुष्य के दोष गुण प्रकट हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी की अगुवाई करने के लिए कोई आता है तो वहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तभी तो मालूम चलता है कि वो क्या है क्या नहीं है। या आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं पर तो वहाँ पर भी बातचीत करनी पड़ती है, बातचीत से ही मालूम चलता है कि आपका नॉलेज क्या है, आपका डिग्री क्या है, आप क्या है क्या नहीं है। तो बेन जॉनसन के अनुसार क्वेश्चन करता है कि बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत करने की कला कौन सी है। तो ये बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत करने से मनुष्य के दोष गुण प्रकट होते हैं, तभी जाकर मनुष्य के दोष गुण किसी और के सामने दिखते हैं, ठीक है। अब देखिए एडिसन के अनुसार, एडिसन भी कहते हैं कि असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है। जैसे बेन जॉनसन ने बोला कि बातचीत करने से ही मनुष्य के दोष गुण प्रकट होते हैं, लेकिन एडिसन कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होती है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने आते हैं, बातचीत करते हैं, तभी जाकर वो अपने दिल की बातों को खोलकर एक दूसरे के सामने रखते हैं, दिल के दर्द पीड़ा कष्ट को सामने रखते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। तो एडिसन के अनुसार बातचीत करने के लिए दो व्यक्ति आवश्यक हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए क्वेश्चन करेगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के क्या विचार थे, बातचीत के संबंध में एडिसन के क्या विचार थे। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के दोष गुण प्रकट होते हैं, लेकिन एडिसन कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तभी जाकर वो अपने दिल की बातें, अपने दिल के धुआं, हवा, कष्ट सबको निकाल पाते हैं। आगे कौन सी बातें, अभी पहली बातें आप समझ गए, दूसरी बातें समझ गए, तीसरी भी समझ गए और चौथा एडिसन का भी समझ गए। अब तीसरी बात है कि तीन व्यक्ति के बीच बातचीत की धारा पलट जाती है। अभी तक आपने यही देखा कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत करने से ही मनुष्य के दोष गुण प्रकट होते हैं, ठीक है। एडिसन कहते हैं कि असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होनी चाहिए। अब मान लीजिए जब दो व्यक्ति से अधिक बातचीत करेंगे, तीन व्यक्ति करेंगे,
तब वहाँ पर बातचीत की एक धारा पलट जाती है, जहाँ पर दो व्यक्ति अपने दिल के दर्द को प्रकट करते हैं, वहाँ पर कोई और तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वहाँ पर बातचीत एक बकवास की बातचीत हो जाएगी, वहाँ पर बातचीत की धारा बदल जाती है। तो यही पॉइंट लिखी गई है कि तीन व्यक्ति के बीच बातचीत से बातचीत की धारा बदल जाती है। अब मान लीजिए, अब तीन व्यक्ति से अधिक व्यक्ति बातचीत करेंगे तब क्या होगा? तो जब तीन व्यक्ति से अधिक व्यक्ति बातचीत करेंगे, मतलब चार व्यक्ति के बीच जो बातचीत होती है उसको बेतकल्लुफी बातचीत कहते हैं, मतलब बेकार की बातें कहते हैं। जहाँ तीन व्यक्ति से अधिक बातचीत करना स्टार्ट कर दे, समझिए कि वहाँ पर बेकार की बातचीत हो रही है, सिर्फ टाइम पास हो रही है, ठीक है ना। मतलब चार व्यक्ति जहाँ बात करें, क्वेश्चन करता है कि चार व्यक्ति बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको बेतकल्लुफी कहते हैं, मतलब बेकार की बातें कहते हैं। और जब चार से अधिक व्यक्ति बातचीत करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? जब चार से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उसको राम रमायल कहते हैं। देखिए यहाँ पर चार से अधिक व्यक्ति के बीच बातचीत को राम रमावल कहते हैं। तो चार से अधिक व्यक्ति के बीच जब बातचीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? राम रवायल कहते हैं। क्या कहते हैं? रमावल कहते हैं, राम रमावल कहते हैं। अभी तक आपने क्या देखा? असल में एडिशन के अनुसार बातचीत करने का तरीका क्या है? दो व्यक्ति के बीच है, दो व्यक्ति अपने दिल की बातें खोल सकते हैं, लेकिन जब तीन व्यक्ति आते हैं तो वहाँ पर बात की धारा बदल जाती है। जहाँ चार व्यक्ति बात करते हैं उसे बेतकल्लुफी की बातें कहते हैं, और जहाँ चार से अधिक व्यक्ति बातें करते हैं उसको राम रमावल कहते हैं, राम रमावल कहते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर सकता है, चार से अधिक बातें करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो राम रमावल कहते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग समझते हैं, इस पॉइंट को भी हम लोग समझ लिए। अभी तक वाक शक्ति समझ लिए, अगर वाक शक्ति ना होता तो क्या होता? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बिन जॉनसन के अनुसार बातचीत की क्या विचार है? बातचीत के संबंध में क्या विचार है? एडिसन के अनुसार बातचीत के संबंध में क्या विचार है? जब तीन व्यक्ति बातचीत करते हैं तो बातचीत की धारा बदल जाती है, जब चार व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उसको बेतकल्लुफी की बातें कहते हैं, जब चार से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उसको राम रमावल कहते हैं। अब देखिए आप, अगली पॉइंट है वाक शक्ति का दमन अर्थात बातचीत पर नियंत्रण। ये भी अपने आप में टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वाक शक्ति का दमन हो गया कि अपनी बोली पर काबू करना, अपनी बातों पर काबू करना, क्योंकि अधिक बोलने से कई बार हम लोगों का काम बिगड़ जाता है। भगवान ने हम लोगों को बोलने की क्षमता, बोलने की कला वरदान के रूप में दिए हैं, तो इसका सही उपयोग हमें करनी चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखानी चाहिए। अभी तो मैं आपको बताया था, रहीमन कहते हैं कि रहीमन जी हवा बाबरी, कहीं गई सड़क पतार, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खाद कपार। हमें वो अपनी वाणी को सहेज कर रखनी चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखनी चाहिए, नहीं तो यही बोली हमें सम्मान भी दिला सकती है और हमें बेइज्जत भी कर सकती है। तो अपने वाणी पर क्या करिए? नियंत्रण रखिए। जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वो इंसान अपने लाइफ में बहुत आगे जाता है, अपने मंजिल को बहुत जल्दी अचीव करता है। इसलिए वाक शक्ति का दमन का मतलब हो गया वाक शक्ति पर नियंत्रण, बातचीत पर नियंत्रण। अपने बातचीत पर काबू रखिए, अपने बोलने की क्षमता पर काबू रखिए, और ये सोचिए कि किसके संग क्या बोलना है, कितना बातें करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब बहुत जल्दी जाएंगे। अब आगे देखिए क्या लेखक के अनुसार, जब लेखक बालकृष्ण भट्ट, अब लेखक के अनुसार बातचीत करने का क्या तरीका है? अभी तक आपने बहुत सारा मत देखा कि दो व्यक्ति, एडिसन्स कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत करने से दोष गुण प्रकट होते हैं, एडिसन्स कहते हैं कि असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होती है, जब तीन व्यक्ति बातचीत करते हैं तो बातचीत की धारा बदल जाती है, और जब चार व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उसको बेतकल्लुफी की बातें कहते हैं, और जब चार से अधिक व्यक्ति बात करते हैं तो उसको राम रमावल कहते हैं। ठीक, बातचीत करने की क्या लेखक के अनुसार बातचीत करने की क्या विचार है? देखिए, लेखक कहते हैं कि अगर रियल में बातचीत करनी है ना, तो इंसान अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करे जिससे वो अपने आप से ही बात कर सके। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो मौन साधना करते थे, पूजा पाठ अपने आप से ही करते थे, बातें करनी है तो अपने आप से करे। लेखक यही कहते हैं कि अपने आप से जो व्यक्ति बातें करता है वो अपने लक्ष्य के करीब बहुत जल्दी जाता है। तो लेखक के अनुसार बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आदमी, इंसान अपने आप से बातें करे। किसी और से बातें करेंगे, किसी और से कोई उम्मीद रखेंगे तो इंसान को हमेशा ठोकर ही मिलती है, वो टूट जाता, बिखर जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। इसी रीजन से लेखक कहते हैं कि आदमी को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे वो स्वयं से बातें कर सके, क्योंकि स्वयं से बातें करने का मतलब होता है अपने आप को अपने लक्ष्य के करीब बहुत जल्दी पहुंचाना। इंसान स्वयं में एक आईने के समान है जिसके अंदर नए नए रंग में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है। इंसान जब अपने आप से बातें करता है तो वो क्या है ना कि एक आईने के समान है, अपना दोष गुण देख पाता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। आप कभी रात को या कभी शांत माहौल में अपने आप से खुद से बातें करिएगा, देखिए आपको कैसा अनुभव होता है।
लगेगा कि मैं कल से बहुत पढ़ूंगा, मैं मतलब जो भी आप बनना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, आप इंटर में टॉप करना चाहते हैं, जब रात को ये सारी बातें आप सोचेंगे ना शांत माहौल में, तो आपके अंदर एक जोश जुनून और एक अलग तरह का जो है ना हौसला पैदा हो जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि रियल में बातचीत करने का तरीका क्या है, तो अपने आप से बातचीत करें, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करें जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप से बातचीत कर सके। जब मनुष्य अपने आप से बातचीत करता है तो अपने लक्ष्य, अपने मंजिल, अपने सपने, अपने ड्रीम के बहुत जल्दी करीब जा पाता है। तो इतनी बातें इस चैप्टर में आपकी महत्वपूर्ण थी। यदि आप ये सारी बातें समझ लिए तो समझिए कि आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को भी समझाऊंगा, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समझाऊंगा, ताकि आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। एक बार फिर मैं मोटा मोटी ये सारी बातें आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या ना कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती क्या होता, अगर हमें वाक शक्ति बोलने की क्षमता नहीं होती तो क्या होता, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो यह संसार गूंगा होता, हम अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते। आज हम जो सुख सुविधा अनुभव करते हैं वो सब कर नहीं पाते। आगे आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन मीन्स हो गया बातचीत करने की कला। इसमें कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिसको सुनने के बाद हमारे कान सुखद महसूस करते हैं। अब देखिए आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का एक और नाम है, याद रखिएगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करता है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का एक और नाम है जिसको शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध गोष्ठी के नाम से जानते हैं। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का ये दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन समझ गए कि इसमें कुछ ऐसी बातें बोलना है जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, सामने वाला हंसने लगे, वो सामने वाला हमसे सिर्फ बात करना चाहे। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन ये होती है। और आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है, कहाँ प्रसिद्ध है, तो यूरोप के लोगों के बीच प्रसिद्ध है। आगे है बिन जॉनसन क्या कहते हैं। बिन जॉनसन यही कहते हैं कि बातचीत करने से इंसान के दोष गुण सब प्रकट होते हैं। लेकिन एडिसन कहते हैं कि असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तब वो अपने दिल की बातें एक दूसरे के सामने खोल सकते हैं, जैसे दो दोस्त या वाइफ हस्बैंड या आप लेकर चल सकते हैं। आगे है जब तीन व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, जब दो के जगह पर तीन आ जाते हैं तो वहां पर बातचीत की धारा बदल जाती है। लेकिन जब चार व्यक्ति बातचीत करने लगते हैं तो उसको बेतकलूफी की बातें कही जाती है। लेकिन जहां से चार से अधिक व्यक्ति बातचीत करने लगते हैं तो उसको देख सकते हैं राम रमोवल कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रमोवल। अब उसके बाद देखा अपने की वाक शक्ति का दमन, मतलब यदि अपनी बातचीत पर काबू नहीं रखी गई, नियंत्रण नहीं रखी गई तो क्या होगा। यदि हम अपनी बातचीत पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, ऐसे ही बक 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 बोले जा रहे हैं, तो समझिए कि आपको कहीं इज्जत भी मिल सकती है, कहीं सम्मान भी मिल सकती है। इसलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखनी चाहिए। एक और रहीम का आप दोहा पढ़े थे कि रहीमन निज मन की बैठा मन ही राखो गोए, सुन अथी लही है लोग सब बाटी न लय है कोए। इसमें रहीम क्या कहते हैं कि अपने जो मन का दर्द है, जो कष्ट है, जो वीरा है, जो वेदना है, उसको मन में ही रखिए। यदि आप किसी के सामने प्रकट करते हैं तो लोग उसका परिहास करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, अपने दुख दर्द भी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना अलग टाइप का हो चुका है, कोई किसी के दर्द को समझने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने बोली पर नियंत्रण रखनी चाहिए। और सबसे अंतिम पॉइंट ये था कि लेखक के अनुसार असल में बातचीत करने का तरीका क्या है। देखिए लेखक के अनुसार असल में बातचीत करने का तरीका ये है कि मनुष्य अपने आप में एक ऐसी शक्ति पैदा करे जिससे वो स्वयं से बातचीत कर सके, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं से बातचीत करता है तब वो बहुत आगे जाता है, अपने लक्ष्य के बहुत करीब जाता है। आप इन सारी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, इसको स्किप कर करके वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, और कहीं भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि मुझे आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि ये सारी बातें आप समझ गए तो समझिए कि आपका जो ललित निबंध बातचीत है वो आपका क्लियर हो गया, और सारे क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, इसके क्वेश्चन को बेसिक रूप से हल करते हुए हम लोग मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।